पर चल रहे केस पर पंजाब सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये बहुत ही हैरानीजनक है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने मंत्री को फंसाने के लिए और पार्टियों में गुटबंदी पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि एक तरफ ईमानदार लोग हैं और दूसरी तरफ माफिया जो कि ठगी ठोरी का काम करता है। यही नहीं, नवजोत सिंह सिद्धू की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि सिद्धू माफिया को खत्म करने के लिए अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि सारे मामले को कैप्टन अमरिंदर सिंह की सोची समझी साजिश है और वह नवजोत सिद्धू को सजा दिलाना चाहते हैं। आज नवजोत सिंह सिद्धू नूं जो पंजाब सरकार दे वकील ने सुप्रीम कोर्ट दे विच सूबा सरकार दा पक्ष रखिया, बड़ा कहांगे हैरानीजनक। सरकार अपने मंत्री नूं फसाउण वास्ते, सो इह पार्टियां दे अंदर एक कतारबंदी हो रही है। एक पासे ईमानदार लोग ते दूसरे पासे जिहड़े माफिया ते काबिल लोग, जिहड़े ठगियां मारदे, जिन्हां दा राजनीति धंधा बनिया होया। क्योंकि नवजोत सिद्धू पंजाब दे अंदरों माफिया नूं खत्म करन वास्ते अपने पद्धर ते बड़े यतनशील। सो कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं फुट्टी अख नहीं समाउंदे, इसे वास्ते नवजोत सिद्धू नूं बाजार दे विचों चलदा करन वास्ते, नवजोत सिद्धू नूं सुप्रीम कोर्ट दे विचों सजा दवाउण वास्ते ये सारा कुछ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साजिश रची है। मैं जुडिशरी अदालत दे फैसले बारे कुछ नहीं बोल सकता कि वह की आना की नहीं आना, पर एक गल साफ सुथरी स्पष्ट होगी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ते उन्हां दी जिहड़ी जुंडली माफिया दे उत्ते काबजा, चाहे वह केबल माफिया, चाहे वह सैंड माफिया, चाहे वह ट्रांसपोर्ट माफिया, ते उही कैप्टन अमरिंदर सिंह जिहड़े एक पासे मजीठिए नूं पहलां बचाई तुरे जांदे सी ते हुण पुलिस अफसरां दे उत्ते जदों चिट्टे दी गल आई है डीजीपी लैवल दे अफसरां दे उत्ते, ते कैप्टन अमरिंदर सिंह अनुशासनहीनता दे नाम दे उत्ते उस मसले दे उत्ते मिट्टी पा के खत्म करना चाहुंदे आ। ते दूसरे पासे नवजोत सिद्धू जिहड़ा माफिए नूं पंजाब तो मुक्ति दवाउण दे यतनां दे विच हमेशा यतनशील रहा। सो ये कांग्रेस पार्टी दे अंदर जिहड़ी साफ तौर ते धड़ेबाजी, एक पासे ऑनेस्ट ते एक पासे माफिया दे काबज लोगां दा आपस दे विच जिहड़ा धड़ेबाजी सी, उह सुप्रीम कोर्ट दे विच जिहड़ा वकील पंजाब सरकार दा अपना पक्ष सरकारी रख के आया उहदे तों साफ जाहर हो। मैं कह के हटिया कि यह दो हिस्सों के राजनीतिक पार्टियां वंडियां गईयां। एक खेमा हैगा ईमानदार लोग, चाहे वह घट ने, ते मैं यह भी गल कहांगा कि किसी भी पार्टी दे विच कोई ईमानदार लीडर बैठा बैंस उहदी हमेशा तारीफ करेगा, वह किसी भी पार्टी च ईमानदार। ते अज ये लकीर खिंची गई, लकीर गाढ़ी हो गई, खिंची तो पहले ही हुई सी, गाढ़ी हो गई कि एक पासे ईमानदार लोग ते दूजे पासे राजनीति का धंधा करन वाले लोग, माफिया ते काबे लोग, जिहड़े सरकारी अहुदे ते जिहड़ा लोगां ने वोटां पा के उन्हां नूं अहुदे दित्ते आ, ते उस अहुदे दा दुरुपयोग करके अपने घर भर दे पासे ओह लोग बैठे। जागती लहर के लिए लुधियाना से सुरेंद्र अरोड़ा की रिपोर्ट।